तो कल हम लोगों ने नियतिवाद की आलोचना पे बात कर लिया था। आज हम लोग उसी यूनिट में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है संभववाद। संभववाद पे बात करेंगे और संभववाद वैसे ही बात करेंगे जैसे नियतिवाद पे बात किया था कि विभिन्न विद्वानों के क्या विचार रहे नियतिवाद पे, वैसे ही हम लोग देखेंगे आज कि संभववाद पे विभिन्न विद्वानों ने अपने क्या विचार रखे हैं। फिर संभववाद की आलोचना देखेंगे जैसे नियतिवाद की आलोचना देखा है ना। फिर उसके बाद जो एक टॉपिक बचेगा नव संभववाद वो देखेंगे। तो आज का हेडिंग डाल लीजिए संभववाद। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? पॉसिबिलिज्म। संभववाद पॉसिबिलिज्म। नियतिवाद और संभववाद है ना, नियतिवाद पे बात कर चुके हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है अगर विचारधारा में देखें तो। संभववाद का हम आपको पहले भी समरी के रूप में बताए थे, ये गेट बंद करो जी, तो उसमें हम आपको ये बताए थे, नियतिवाद बताए हैं कि नियतिवादी जो भी भूगोल वेत्ता हैं उनका मानना यह है कि प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है, मनुष्य की भूमिका नगण्य है। फिर हमने उसकी आलोचना देखा, तो आलोचना में हमने देखा कि बहुत सारे विद्वान हैं जो कह रहे हैं नियतिवाद की आलोचना करते हुए कि ऐसा नहीं है, प्रकृति सर्वश्रेष्ठ नहीं है मानव की भूमिका। वही जो आलोचक हैं वही संभववादी हैं। जितने भी नियतिवादी नियतिवाद के आलोचना करने वाले होंगे वो संभववादी ही होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कोई किसी पार्टी ए को मानता है और कोई किसी पार्टी बी को मानता है, दो ही पार्टी हैं, तो अगर ए पार्टी की आलोचना कोई कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो बी पार्टी का ही होगा, है ना। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो लोग बीजेपी की मतलब कार्य की निंदा करते हैं तो आप उनको हमेशा कहते हैं कि या तो कांग्रेसी है या तो किसी और पार्टी का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी पार्टी का ही हो, पर वो अलग बात है, हमको राजनीति में नहीं पढ़ना है। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि नियतिवाद की जो भी आलोचना कर रहे हैं वो संभववादी ही थे, जितने भी आप कल आलोचना पढ़े हैं वो संभववादियों द्वारा ही की गई है। अब संभववादी कौन है? नाम से ही स्पष्ट है। नियतिवाद में बताए थे कि नियति जो होती है वो प्रकृति को कहते हैं, संभव संभावना, संभववाद में क्या है? संभावना है, पॉसिबिलिज्म है। तो संभावना का मतलब क्या है? तो जो संभववादी थे उन्होंने माना कि प्रकृति तो है लेकिन प्रकृति ही सब कुछ नहीं है, मनुष्य की भूमिका ज्यादा बेहतर है प्रकृति की तुलना में। क्यों? क्योंकि प्रकृति जो है वो मनुष्य के सामने क्या उपलब्ध कराती है? संभावनाएं उपलब्ध कराती है। उन्हीं संभावनाओं को मनुष्य क्या करता है? अपने अनुसार अपने लिए आवश्यक चीज़ों का खोज करता रहता है, प्रयोग करता रहता है ना। जैसे हमको जब गर्मी लगी तो हमने पंखा का आविष्कार कर लिया, तो प्रकृति का क्या कार्य था कि गर्मी बढ़ रही है तो गर्मी लग रही है, गर्मी का मौसम है तो गर्मी लगना ही है, वो तो प्रकृति का काम है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने सुविधा के लिए तो पंखा बना लिए, एसी बना लिया, कूलर बना लिया। पानी पहले हम नदियों से लाते थे, दूर से हमारा समय बर्बाद होता था, अब नदी तो आ नहीं जाएगी हमारे घर पे कि आओ हम तुम्हें पानी भरा देते हैं, तो नदी तक हमको जाना पड़ता है, तो पहले हमारा समय जाता था और ऊर्जा भी जाती थी। फिर हमने क्या खोजा? कुआं खोदा, है ना, कुआं की खुदाई करना शुरू कर दिया। फिर उससे भर रहे थे हम पानी, उसमें भी हमको कष्ट हो रहा था, समय लग रहा था और थकान लग रही थी, तो फिर हमने नल या मोटर की खोज कर ली, फिर बोरवेल की खोज कर ली। तो देख रहे हैं ये मनुष्य क्या है, मनुष्य अपने बुद्धि का प्रयोग करके प्रकृति जो भी है उसमें परिवर्तन करके अपने लिए आवश्यक चीज़ों का निर्माण करता रहता है। यही संभववादियों का कहना था, इसीलिए मनुष्य महत्वपूर्ण है ज़्यादा, क्योंकि मनुष्य क्या करता है? प्रकृति में परिवर्तन करता रहता है, इसलिए मनुष्य क्या है? महत्वपूर्ण है। तो जितने भी संभववादी हैं वो यही कहते हैं कि मनुष्य की भूमिका ज़्यादा अच्छी है, मानव की भूमिका बेहतर है प्रकृति की तुलना में। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये जो संभववाद है यह शब्द दिया था एक भूगोल वेत्ता है जिनका नाम है फेब्रे, फेब्रे है ना, लूसियन फेब्रे नाम है इनका। और जितने भी संभववादी हैं ज़्यादातर उनमें कहाँ के भूगोल वेत्ता हैं? फ्रांस के। नियतिवादी कहाँ के थे? जर्मनी के थे, है ना। अब संभववादी कहाँ के हैं? फ्रांस के। अब हम लोग एक एक भूगोल वेत्ता का देखेंगे।
थोड़ा थोड़ा कि कौन किसने क्या कहा है। तो सबसे पहले इसमें भूगोलवेत्ता जो हैं वह हैं फेब्रे ही हैं सबसे पहले। फेब्रे ने कौन सा शब्द दिया था? संभववाद, दिमाग में रखिएगा, संभववाद शब्द किसने दिया था? फेब्रे ने दिया था, ठीक है। फेब्रे की एक पुस्तक है जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, बुक का नाम इनके है जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, हिंदी में इसका नाम लिख लीजिए इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना, इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना, ये इनकी बुक का नाम है, ठीक है। कहाँ के हैं ये फेब्रे? ये जो पुस्तक है इनकी ये 1925 में प्रकाशित हुई, तो फेब्रे को कभी कभी मतलब इनको इस विचारधारा का जनक भी माना जाता है क्योंकि इन्होंने पहली बार शब्द दिया। तो ये भी क्या है, संभववादी, इनके बारे में एक लाइन लिखिए क्या कह रहे हैं, मतलब अपनी पुस्तक में इन्होंने लिखा है तो उसके बारे में थोड़ा लिखते हैं, लिखिए उसमें, मानव एक भौगोलिक दूत है, जल्दी से लिखिए, तेजी से लिखिए, मानव एक भौगोलिक दूत, भौगोलिक दूत है, पशु नहीं है, भौगोलिक दूत है, पशु नहीं है, वह सर्वत्र पृथ्वी की रचना, वह सर्वत्र पृथ्वी की रचना की विवेचना में, सर्वत्र पृथ्वी की रचना की विवेचना में उन परिवर्तनशील भौगोलिक अभिव्यक्तियों के संबंध, उन परिवर्तनशील भौगोलिक अभिव्यक्तियों के संबंध, भौगोलिक अभिव्यक्तियों के संबंध ढूंढने में योग देता है, ढूंढने में योग देता है जिनका अध्ययन करना भूगोल का महत्वपूर्ण कार्य है। जिनका अध्ययन करना भूगोल का महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, भौगोलिक अभिव्यक्तियों के क्या लिखे हैं? संबंध, समन्वय लिखिए उसको काट के, समन्वय, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं फेब्रे? फेब्रे अपनी पुस्तक का नाम है जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में कह रहे हैं कि मानव जो है एक भौगोलिक दूत है। भौगोलिक दूत मतलब जैसे आपने उसके अपर्दन के दूत पढ़ा था, अपर्दन के दूत मतलब क्या पढ़े थे कि हवा पानी है ना, ये सब अपर्दन का कार्य करने में सहयोग कर, तो भौगोलिक दूत का मतलब है कि प्राकृतिक रूप से निर्मित चीज है, पशु से तुलना नहीं कर सकते हैं, मानव पशु में अंतर है। और मनुष्य हमेशा क्या प्रयास करता है, जो भी भौगोलिक क्रियाएँ हो रही हैं पृथ्वी पर कहीं भी, उनमें समन्वय कैसे है, मनुष्य उससे समन्वय कैसे स्थापित कर रहा है, या वो प्रकृति में ही कैसे संतुलित रूप से प्रक्रियाएं घटित हो रही, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट इसमें जो दूसरे भूगोलवेत्ता हैं उनका नाम है विडाल डीला ब्लास, सेकंड है विडाल डीला ब्लास, ब्लास भी कहते हैं इनको शॉर्ट में, पूरा नाम नहीं लिखते हैं। कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। इनका जो समय काल है वो 1845 से
1918 तक का है, 1918 तक का है, ब्लास का समयकाल। ब्लास की पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, लिख लीजिए, बुक का नाम इनके है। प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। ठीक है, लिख लिया। देखिए, ब्लास भी संभववादी हैं, तो संभववादी हैं तो मनुष्य को ही महत्वपूर्ण देंगे। मनुष्य को इन्होंने महत्वपूर्ण देते हुए कुछ उदाहरण दिए हैं। इनका कहना है कि मनुष्य महत्वपूर्ण है तो उदाहरण क्या होगा। उदाहरण ऐसा दिया इन्होंने कि आज बहुत सारे ऐसी क्षेत्र हैं जहाँ पे पहले प्राकृतिक रूप में आप खेती आदि नहीं कर सकते थे, लेकिन मनुष्य ने कुछ ऐसे, जैसे ठंडे प्रदेश है, ठंडे प्रदेशों में कल भी बताए थे कि खेती करना आसान नहीं है, क्योंकि बीज को अंकुरित होने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए होता है, तापमान चाहिए होता है। ठंडे प्रदेशों में तो बर्फ है, वहाँ कैसे तापमान मिलेगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जानते हैं आप लोग। ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंतर्गत क्या करते हैं, कांच का कमरा बनाते हैं, ठीक है, और उसी के अंतर्गत टेम्परेचर को क्या करते हैं, बैलेंस करके रखते हैं, तो बीज अंकुरित होते हैं। तो वहाँ पर सब्जियों आदि की खेती ऐसे ही की जाती है। तो प्रकृति, तो प्रकृति अगर प्राकृतिक रूप से देखें तो ऐसे क्षेत्रों में तो कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है किसके कारण, मनुष्य के कारण, आप लोगों के कारण, मनुष्य के बुद्धि के कारण, है ना। तो मनुष्य की भूमिका वहां पे महत्वपूर्ण हो गई कि नहीं हो गई प्रकृति की तुलना में। आप लोग आज सुनते होंगे कृत्रिम वर्षा की कॉन्सेप्ट आया है, आर्टिफिशियल रेन का नाम सुने हैं। उसमें सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड करके कुछ केमिकल होते हैं जिनको वो हेलीकॉप्टर से आकाश में छोड़ देंगे। वो क्या करते हैं, वो बादलों को खींचते हैं। बारिश नहीं होती, इसका कारण कभी कभी यह भी होता है कि बहुत हवा हवा चल रही है तो बादल क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। जब देखते हैं आप बारिश होती है तो पूरा अंधेरा हो जाता है, काले काले इकट्ठा रहते हैं, तो सघनता रहती है। तो वो जो केमिकल हैं वो क्या करते हैं, बादलों को आकर्षित कर लेते हैं, वहाँ पे बारिश करा देते हैं। जैसे यहाँ पे बारिश नहीं हो रही मान लीजिए एक दो तीन साल से, तो अगर यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड या सिल्वर ब्रोमाइड का ऊपर छिड़काव कर दिया जाए क्षोभ मंडल में, तो वो बादल क्या होंगे, वहाँ पे बनने लगेंगे और बारिश होगी। प्राकृतिक रूप से तो नहीं हो रहा था, लेकिन मानव ने किया ना, मानव ने कुछ खोज किया, रिसर्च किया, तब हुआ। तो ऐसे मानव की भूमिका दिखाई गई है संभववाद में। तो ब्लास ने कई जगह ऐसे उदाहरण दिए, उन्होंने कहा कि कुछ फसलें हैं जो भूमध्य, मतलब कुछ फसलें हैं जो ऐसे भूमध्य सागरी जो क्षेत्र है, हम आपको बोले थे एक दिन कि भूमध्य सागर के आसपास के देशों का नाम देखिएगा, देखे थे मैप में, नहीं देखे, भूमध्य सागर कहाँ स्थित है, विषुवत रेखा पर स्थित है, भूमध्य सागर, भूमध्य रेखा नहीं, कहाँ है, अफ्रीका यूरोप के बीच में। कुछ देशों का नाम जानते हैं आसपास के, कजाकिस्तान, वो कैस्पियन सागर के पास है, जाके देखिएगा मैप भूमध्य सागर के आसपास का, बताए थे नहीं देख रहे हैं। मैपिंग बहुत जरूरी है, लोकेशन आपके दिमाग में आना चाहिए जब नाम लेते हैं, तो अमेरिका का नाम ले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अमेरिका किस महाद्वीप में है, कहाँ पे है। तो इन्होंने, ब्लास ने ही एक उदाहरण दिया कि भूमध्य सागर वाले क्षेत्र के आसपास जो फसलें होती थी, मानव ने कुछ ऐसा विकास किया कि वो अन्य क्षेत्रों में भी उनकी फसलों की खेती की जाने लगी। तो ये मनुष्य की ही भूमिका है ना महत्वपूर्ण। सारे उदाहरण यही इंगित कर रहे हैं, ब्लास ने जितने भी दिए हैं उसमें यही इंगित है कि मनुष्य की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। इसमें लिखना चाहें तो लिख लीजिए एक लाइन, ब्लास के अनुसार आज उन भागों पर भी खेती की जा रही है
ब्लास के अनुसार आज उन भागों पर भी, उन क्षेत्रों पर भी, भाग क्षेत्र खेती की जा रही है जहां संभव नहीं थी, जहां संभव नहीं थी। इनके अनुसार बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है अगला, इनके अनुसार डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है। मतलब सलाहकार का मतलब क्या है? सलाहकार कौन होता है? सलाहकार आपको सलाह देता है, मानना ना मानना आपका काम है। जैसे कई सारे लोग होते हैं जो अपने सलाह के, जैसे राजा जब होता था तो राजा के मंत्री होते थे, है ना, वजीर है, मंत्री है, तो वो क्या करते थे, प्रधानमंत्री है राजा के समय की बात कर रहे हैं, वो राजा को सलाह देते थे किसी मुद्दे पे, निर्णय किसका होता था? राजा का। वैसे ही प्रकृति, ब्लास क्या कह रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, ब्लास कह रहे हैं कि जो प्रकृति देखते हैं आप लोग, वो मनुष्य के लिए क्या है, एक सलाहकार की तरह। वो मनुष्य के सामने क्या प्रस्तुत करती है, बहुत सारी संभावनाएं प्रस्तुत करती है कि पेड़ है तुम काट लो, टेबल बना लो, संभावना है, तो मनुष्य के सामने संभावना है। अब मनुष्य का काम है कि वो सलाह को माने या उसमें कुछ परिवर्तन करे, जो करना हो करो, है ना। और उदाहरण इसमें समझिए कैसे मनुष्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये सब उदाहरण लिखेंगे तो उत्तर और अच्छा होगा, एग्जामिनर अगर पढ़ के नंबर दे रहा होगा तो आपको अच्छा नंबर देगा, है ना। तो एक उदाहरण ऐसे देखिए, आज आप देख रहे हैं, अगर करंट पढ़ते होंगे या न्यूज़ सुनते होंगे तो देखते होंगे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन क्या है कि मतलब जैसे अभी बारिश हो रही है, बारिश का कोई पैटर्न नहीं होगा, कभी भी बारिश होने लग रही है, हो रही ना इस बीच में, आप लोग देख रहे हैं, अगर आप 10 साल पहले जाएं या 5 साल पहले जाएं तो ऐसे बारिश नहीं देखने को मिलती थी, क्योंकि मानसून का सीजन जून से शुरू होता है, उसके पहले ही फरवरी मार्च सब जगह बारिश हो रही है। तो इससे क्या समस्या होगी? समस्या ये होगी खेती की, फसलें जो है, जो किसान है वो एक निश्चित समय पर बोता आ रहा है कि मानसून अब जून में शुरू होगा तो उसके अनुसार अपना बीज आदि तैयार करेंगे और फिर उसको बोएंगे। लेकिन जब बारिश ऐसे ही रैंडम होती रहेगी तो खेती करना आसान होगा? नहीं होगा, सूखा पड़ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। तो वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, देखिए अगर सूखा आ गई, बाढ़ आ गई तो प्रकृति का काम है, तो उससे सब कुछ तो नष्ट हो ही जाएगा, खेती नहीं हो पाएगी। लेकिन अब मनुष्य का दिमाग चलने लगा कि हम ऐसा बाढ़ सूखा तो रोक नहीं सकते हैं क्योंकि वो प्राकृतिक कार्य है, तो हम उसके लिए क्या विकल्प लिए, हम ऐसे बीज बनाएं, ऐसे फसल के बीज बनाएं जो कि सूखे में भी उत्पन्न हो जाए, जिनको पानी कम से कम लगे, और ऐसे बीज बनाएं जो बहुत सारा बाढ़ भी आ जाए तब भी वो जीवित रह सकें। समझ रहे हैं बात? मतलब सूखा रोधी फसल और बाढ़ रोधी फसल। तो ये कौन विकसित कर रहा है? मानव विकसित कर रहा है, मानव का दिमाग विकसित कर रहा है, इसलिए मानव की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण बताई संभववादियों ने। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ब्लास के बाद है ब्रूंस। ब्लास के बाद जो भूगोलवेत्ता हैं उनका नाम है जीन ब्रूंस। जीन ब्रूंस का समय है 1869 से 1930, 1869 से 1930 AD। जीन ब्रूंस की एक पुस्तक है, मानव भूगोल नाम ही है उसका, मानव भूगोल, जियोग्राफिए ह्यूमेने। अब ये फ्रांसीसी लैंग्वेज है तो मैं कहाँ से पढ़ पाऊँ, जियोग्राफिए, अब इसको आप ह्यूमेने पढ़िए, ह्यूमेन पढ़िए, कुछ पढ़िए, है ना। तो मानव भूगोल, मानव भूगोल हिंदी में है, इंग्लिश में ये है। तो ये किसकी पुस्तक है? जीन ब्रूंस की। तो आपको दिमाग में रखना है उत्तर लिखते समय इन पुस्तकों का नाम, ठीक है।
इनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, उसके बारे में सुनिए। इनका कहना था कि मनुष्य जब तक जीवित रहता है वह सक्रिय रहता है, मनुष्य जब तक जीवित है सक्रिय रहता है, वह निष्क्रिय कैसे होता है, जब तक कि उसको प्रकृति निष्प्राण न कर दे। निष्प्राण मतलब कि उसका जीवन समाप्त न हो जाए, ऐसा होता है वास्तव में, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि प्रकृति, इनका कहने का मतलब यह है कि प्रकृति जो है वो मनुष्य के लिए केवल जीवन को बनाए रखने का जरिया है, मनुष्य खुद से ही अपने के लिए आवश्यकताओं के लिए कार्य आदि करता रहता है। मनुष्य जीवन में सक्रिय रहता ही है, हम आप सक्रिय ही हैं, पढ़ने आ रहे हैं, यह भी एक मतलब प्राकृतिक रूप में तो प्रकृति ने ऐसा कुछ निर्धारित नहीं किया था कि मनुष्य पढ़े। मनुष्य जब उत्पत्ति हुई मनुष्य की, तो क्या वो शुरू से ही पढ़ता आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई और जानवर या जीव जंतु तो नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये मनुष्य की ही तो सोच है या उपलब्धि है कि वो अन्य जीवों से अलग है, अन्य जीवों से अलग कार्य कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है ना। तो ये कहते हैं जीन ब्रूंस कि मनुष्य जो है वो प्रकृति का दास नहीं है, है ना। मनुष्य जो है, ये स्टेटमेंट है उनका, ये लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको। कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दे देते हैं, जैसे आप मान लीजिए 5 नंबर के क्वेश्चन में लिख दिया अभी ब्लास वाला जो बताए थे कि प्रकृति एक सलाहकार है, इतना लिख देंगे, क्वेश्चन ही रहेगा प्रकृति एक सलाहकार है, व्याख्या कीजिए। तो आपको जो खास स्टेटमेंट होते हैं वो दिमाग में होना चाहिए कि प्रकृति एक सलाहकार है, ये किसका कथन है, फिर इसकी व्याख्या करेंगे आप, तो व्याख्या में वही पूरा संभववाद वाला लिख देंगे, है ना। तो ये है इनका, लिख लीजिए एक स्टेटमेंट है कि मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है, मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है, ठीक है। ब्रूंस की एक और पुस्तक है हिस्ट्री एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ सोशल साइंसेस, ये पहली पुस्तक हो गई। दूसरी पुस्तक हिस्ट्री एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ सोशल साइंस, हिंदी में नाम लिख लीजिए सामाजिक विज्ञानों का इतिहास एवं संभावनाएं, सामाजिक विज्ञानों का इतिहास और संभावनाएं, हिंदी में नाम लिख लीजिए इसका सामाजिक विज्ञानों का इतिहास एवं संभावनाएं, हिस्ट्री एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ सोशल साइंसेस। क्या है जी, तुम लोग लेट आते हो, फिर बात भी कर रहे हो, बोल रहे हैं तो सुनाई दे रहा है, ध्यान से सुनोगे तो सुनाई भी देगा, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, तो बोले हैं तो सुन नहीं रहे हो क्या, नहीं नहीं बताएंगे, जाओ बाहर जाओ, निकलो निकलो, तुम निकलो निकलो, रोज लेट आना है और क्लास में आके बदतमीजी कर रहे हो। अब प्रिंसिपल से लिखा क्या ना, तभी क्लास में बैठना, बदतमीजी। तो लिख लीजिए इसको हिस्ट्री एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ सोशल साइंसेस, हिंदी में लिखिए सामाजिक विज्ञानों का इतिहास एवं संभावनाएं। नेक्स्ट भूगोल वेत्ता है जिन्होंने संभववाद को बताया है, वो है एल्बर्ट डिमांजिया। ये जितने लोगों को चर्बी चढ़ रही है ना, तो समझ के रहिए प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है तो उसमें इंटरनल की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है, और जिस बार जो है समझ प्रैक्टिकल, मैं जानता हूँ कौन कितना करता है, मैं देख रहा हूँ ना, मैं हमेशा चिल्ला रहा हूँ कर लीजिए प्रैक्टिकल, चेक करा लीजिए, कोई नहीं चेक करा रहा है। नंबर फिर सबको चाहिए कि सर मुझे नंबर बड़ा कम मिला है, तो हम देखते हैं ना इस बार ये सेकंड सेमेस्टर वालों को ज़्यादा वो हो रहा है, तो बताते हैं इस बार जो मौज कर रहे हैं ना सब लोग, यहाँ इंसान लगा हुआ है कि कैसे कैसे इनको समझा दें सिखा दें, कोई कीमत ही नहीं।
एल्बर्ट डिमांजिया, इनका जो समय है लिख लीजिए 1872 से 1940, समय लिखिए 1872 से 1940 एडी। इनकी एक पुस्तक का नाम लिखिए, मानव भूगोल की समस्याएं, पुस्तक है इनकी मानव भूगोल की समस्याएं, बुक है इनकी। ठीक है, हिस्ट्री नहीं लिए हो क्या? देखिए, समय को जो है वो एक विभाजन किया गया है, इंग्लिश विभाजन है, अंग्रेजों का है। जो समय है वो कुछ इस तरह से है कि जो आप लोग नाम सुने होंगे उनका, ईसा मसीह का नाम सुने हैं ना, ईसा मसीह का जीवन काल लगभग 35 वर्ष का था, है ना। तो जब समय को एक यूनिटी में एक एक तरह से बांटना हुआ तो बड़ा भाई हर जगह का अपना अपना, जैसे हमारे अभिक्रम संवत, शक संवत, बहुत सारे संवत चलते, हर एक राजा अपने अनुसार समय का निर्धारण करता था, हर एक देश भी ऐसा करना था। तो एक तरह का निर्धारण हो उसके लिए जो माना गया कि जितना भी उनका जीवन काल था 35 वर्ष का, उसको जीरो मान लिया गया। ठीक है, किसके जीवन काल को? ईसा मसीह, ईसा मसीह के जीवन काल को क्या मान लिया गया? जीरो। जितना भी उनका 35 साल का था लगभग, उसको जीरो मानते हैं। अब उसके पहले के जो समय है उसको कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, जिसको BC लिखा जाता है, बिफोर क्राइस्ट। आप पढ़ते हैं ना 1000 BC पहले, मतलब जो ऋग्वैदिक काल है वो 1500 से 1000 BC का समय है। ठीक है, और इनके बाद का जो समय है उसको क्या कहते हैं? AD कहते हैं, एन्नो डोमिनी करके इसका फुल फॉर्म है, चेक कर लीजिएगा, एन्नो डोमिनी करके है, और इसका है बिफोर क्राइस्ट। तो मतलब यहाँ से जो समय बीता, जैसे हम लोग AD में जी रहे ना, मतलब ईसा मसीह के बाद का इतना समय है 1930, समझ में आ रही बात कि नहीं? और ये पहले का है। ठीक है, समय हो गया क्या? तो ये जो बुक लिखे हैं आप, एल्बर्ट डिमांजिया की, मानव भूगोल की समस्याएं, तो इसमें इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने मानव क्रिया को महत्व दिया है, और सारे ही मानव क्रिया को महत्व दे रहे हैं, और इन्होंने कहा कि मानव क्रिया का तो महत्व है ही, साथ ही में मानव जो है वातावरण के साथ क्या स्थापित करता है? समन्वय स्थापित करता है, संतुलन स्थापित करता है। पर्यावरण जो मनुष्य के सामने समस्याएं पैदा करती हैं उनको दूर करने का प्रयास करता है। ठीक है, इसमें एक भूगोलवेत्ता और हैं, दो हैं, उनका नाम और बुक लिख लीजिए जल्दी से। एक हैं ईसा बोमेन, ईसा बोमेन नाम है उनका, बोमेन नहीं है वो, बोमेन है। नेक्स्ट है इसमें ईसा बोमेन, कहाँ के हैं ये? अमेरिका के हैं, है ना। नेक्स्ट है इसमें कार्ल सावर, कार्ल सावर कहाँ के हैं? वह भी अमेरिका के हैं, कार्ल सावर भी कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। ठीक है, इसमें जो ईसा बोमेन हैं उन्होंने भी ऐसी ही चीज़ें बताया, जैसे अभी आपको बता रहे थे ना, कृत्रिम वर्षा जैसे कॉन्सेप्ट, कि मानव जो है प्रकृति के द्वारा जो भी सीमाएं आरोपित की जाती हैं, जैसे इन्होंने कहा कि मानव चाहे तो जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है, वहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, वहाँ अगर मनुष्य चाहे तो वहाँ रहने योग्य जगह बना सकता है, खेती कर सकता है, वहाँ चाह ले तो वहाँ पे क्या बना सकता है, वहाँ पे 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन होता है, तो वो चाह ले तो वहाँ पे क्या बना दे, वहाँ हमेशा उजाला रहे। तो ऐसी कुछ बातें कही इन्होंने, कौन, किसने? ईसा बोमेन ने। कार्ल सावर भी अमेरिका के हैं,
लेकिन ये संभववादी हैं, मतलब ये प्रकृति को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं, मानव को महत्व दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ संभववादी थे और उनके विचार थे, कल इसकी आलोचना देखेंगे, ठीक है।